केदारनाथ में आज भी मौसम खराब रहा। सोनप्रयाग से गौरीकुंड जाने वाले रास्ते में जगह जगह लैंडस्लाइड हुआ। ये वीडियो रुद्रप्रयाग का है, आप देख सकते हैं कैसे पहाड़ से मलबे का ढेर नीचे गिर रहा है। चारों तरफ हरियाली और बीच में उठता धूल का गुबार। वीडियो चमोली का है, जहां निजमुला घाटी के पास भूस्खलन हुआ। पूरी सड़क पानी में डूबी हुई है, लहर ऐसी मानो कोई समंदर हो। फर्क सिर्फ इतना है कि यहां गाड़ियां चल रही हैं। वीडियो जम्मू का है, जहां भारी बारिश के बाद सड़कें जलमग्न हो गईं। प्रयागराज में बारिश इतनी ज्यादा हुई कि कई इलाकों से सड़क ही गायब हो गई। तस्वीर गंगा और यमुना नदी के किनारे इलाकों की है, जहां घरों के दरवाजे तक पानी पहुंच चुका है। नाव से ही बच्चे स्कूल जा रहे हैं। एक हाथ में जूता और दूसरे में हेलमेट, वर्दी को घुटने तक मोड़ा और निकल पड़ी पानी से जंग लड़ने। हालात प्रयागराज के जॉर्ज टाउन पुलिस थाने के बाहर के। ये उन्नाव के डीएम का आवास है, जो चारों तरफ पानी से घिरा है। डीएम के आवास तक जाने के लिए जो सड़क बनी है, वो भी पानी में डूब गई, वो भी पानी से भरी है। जबकि बाजारों का हाल ऐसा है कि पानी दुकानों के अंदर तक जा चुका है। लोग पाइप लगाकर पानी बाहर निकालते नजर आए। पटना के गांधी घाट पर बारिश के बाद बिगड़े हालात। पहली बार गांधी घाट पर खतरे के निशान से ऊपर पहुंची गंगा। कई घाटों की सीढ़ियां भी डूबी। पानी रोकने के लिए बोरियों में भरकर लाया गया बालू। कर्नाटक के कोलार जिले से आई हैरान करने वाली दास्तान। शादी के अगले दिन पति पत्नी ने एक दूसरे को चाकू से गोद कर मार डाला। लंबे समय से दोनों के बीच अफेयर था, परिजनों की मर्जी से लव मैरिज की थी। उन्नाव में इंटर कॉलेज के प्रबंधक का वीडियो वायरल। टीचर को आधे दिन की छुट्टी देने के बदले इशारों से मांगा किस। सर कौन से सर? नहीं सर, ये हम नहीं मानेंगे, ये तो गंदी बात है सर, ये सब हम नहीं करते। वीडियो का अधिकारियों ने संज्ञान लिया और कार्रवाई की बात कही। सफाई में प्रबंधक ने कहा, रिश्ते में साली लगती है महिला टीचर। वीडियो बनाकर बदनाम करने का आरोप लगाया। वीडियो झारखंड के दुमका का है। एक बदमाश बैंक के बाहर मुंह पर कपड़ा बांधकर खड़ा है, फिर एक एक कर कई बदमाश दिन दहाड़े बैंक के अंदर दाखिल होते हैं और कुछ देर में बैंक को लूट कर बाहर निकल आते हैं। जब ये बदमाश बैंक लूट कर बाहर निकलते हैं, तो उनमें से एक के हाथ में बैग दिखता है, जिसमें लूट के पैसे थे। सिर्फ इतना ही नहीं, जब सभी पांच बदमाश बाहर निकल जाते हैं, तो आखिरी बदमाश बाहर से बैंक पर ताला भी लगा देता है। मध्य प्रदेश के गुना में कुंभराज रेलवे स्टेशन का भवन गिरा। बाल बाल बचे यात्री, रेलवे स्टेशन पर टिकट मिलना बंद, बिना टिकट यात्रा कर रहे हैं यात्री। वीडियो छत्तीसगढ़ के रायपुर के एक होटल का है, जहां धान कस्टम मिलिंग घोटाले का आरोपी रोशन चंद्राकर बीमारी का बहाना बनाकर जेल से निकला और 5 घंटे तक होटल में रुका। यही नहीं, जेल प्रहरी आरोपी के बच्चों को बाहर घुमाते दिखे। वीडियो वायरल होने पर जेल प्रहरी सस्पेंड। जयपुर में 9 दिन बाद कब्र से निकाला गया महिला का शव। पोस्टमार्टम से साफ होगी मौत की वजह। पति मोहम्मद अजहर पर लगा है हत्या का आरोप। जनवरी में हुई थी शादी, 5 महीने की गर्भवती थी महिला। फिरोजाबाद में पति बना हैवान, पहले पत्नी को बांधकर पीटा, क्रूरता की। पोस्टमार्टम में महिला के पेट से बेलन निकला। पुलिस ने पति सुरजीत को गिरफ्तार किया। नवी मुंबई में एक लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड को पत्थर से बांधकर खाड़ी में फेंका, बाद में खुद भी लगाई छलांग। लड़के के साथ बाइक पर बैठकर खाड़ी तक पहुंची थी लड़की। पुणे में जीका वायरस ने लोगों को डराया, अब तक 73 मरीजों की पुष्टि। गर्भवती महिलाओं और बुजुर्गों को चपेट में ले रहा है वायरस, अब तक 4 मरीजों की जा चुकी है जान। टेबल पर बड़ी संख्या में मोबाइल फोन रखे हैं और जमीन पर 5 लड़के बैठे हैं। ये कोई मोबाइल शॉप नहीं, बल्कि पुलिस थाना है। जयपुर पुलिस ने ऐसे गिरोह को पकड़ा है, जो चलती ट्रेन में यात्रियों के फोन चुराया करते थे। पुलिस ने 30 लाख से ज्यादा की कीमत के मोबाइल फोन जब्त किए हैं। ना तो ये साधारण ड्रम है और ना ही इसमें दिख रहा कोई लिक्विड साधारण पानी है, बल्कि ये MD ड्रग्स है, जो लिक्विड फॉर्म में तैयार की गई है। गुजरात ATS ने महाराष्ट्र के भिवंडी में बड़ा ऑपरेशन चलाया और 800 करोड़ की ड्रग्स जब्त की। अभिनेता अक्षय कुमार ने मुंबई में हाजी अली दरगाह के नवीनीकरण के लिए दान किए 1,21,00,000 रुपए। दरगाह के एक हिस्से की जिम्मेदारी भी ली। दरगाह ट्रस्ट ने गर्मजोशी से स्वागत किया। बिहार के शिक्षा मंत्री के ज्ञान पर उठे सवाल। विनेश फोगाट को बताया बिहार की बेटी। हंसते हुए कहा, बड़ा दुख का विषय है। काफी दुख का विषय है, ये बिहार इस क्षेत्र में हट के चलाता है, पीछे हो जाता है। मोदी सरकार ने लोकसभा में पेश किया वक्फ बोर्ड एक्ट में बदलाव के लिए संशोधन विधेयक। विपक्ष ने किया विरोध। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने प्रस्ताव को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में भेजने का प्रस्ताव दिया।
संसद भवन में विपक्षी सांसदों ने सब्जी की बढ़ती कीमतों को लेकर किया प्रदर्शन, एमएसपी के नारे लगाए। संसद भवन के अपने दफ्तर में सफाई कर्मचारी आंदोलन के सदस्यों से मिले राहुल गांधी। सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान होने वाली मौतों पर हुई बात। मछुआरों के प्रतिनिधिमंडल से मिलने के लिए संसद भवन से बाहर आए राहुल गांधी। कुछ वजहों से मछुआरों के प्रतिनिधिमंडल को संसद भवन के अंदर जाने की नहीं मिली थी इजाजत। देखिए, हमारा हक बनता है कि हम किसी से भी मिल सकें, बट वो अलाउ नहीं कर रहे हैं। माय लाइफ बिकम्स अ बिट मोर डिफिकल्ट बिकॉज इट्स इजीियर टू मीट देम देयर, अदरवाइज नाउ आई हैव टू कीप कमिंग हियर। अब यहां आना पड़ेगा। अयोध्या गैंगरेप केस के आरोपी मोहित खान का हो सकता है डीएनए टेस्ट। जेल में बंद मोहित का सैंपल लेने जा सकती है पुलिस। अखिलेश यादव उठा रहे थे डीएनए टेस्ट की मांग। पॉलिटिकल पार्टी, अगर समाजवादी पार्टी ये बात कहती है कि डीएनए टेस्ट होना चाहिए, ये इन्हीं का संशोधित कानून है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले सक्रिय हुए अजीत पवार। नासिक से शुरू हुई एनसीपी की जनसम्मान यात्रा, गठबंधन को लेकर स्थिति पूरी तरह साफ नहीं। 10 जनपद पहुंचकर सोनिया गांधी से मिले उद्धव ठाकरे। कल राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से हुई थी मुलाकात। दिल्ली दौरे पर हैं उद्धव ठाकरे। केजरीवाल के घर पहुंचकर सुनीता केजरीवाल से मुलाकात की। संजय सिंह और संजय राउत भी रहे मौजूद। शराब घोटाले में फंसे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को फिर लगा झटका। राउज एवेन्यू कोर्ट ने न्यायिक हिरासत को 20 अगस्त तक बढ़ाया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए थे केजरीवाल। सीबीआई ने रिश्वतखोरी के मामले में ईडी के असिस्टेंट डायरेक्टर को गिरफ्तार किया। 20 लाख रुपए की रिश्वत मांगने का आरोप मुंबई के व्यापारी ने सीबीआई से की थी शिकायत। स्वतंत्रता दिवस को लेकर हाई अलर्ट पर दिल्ली पुलिस। भीड़भाड़ वाले इलाकों में संदिग्ध आतंकियों के लगाए जा रहे पोस्टर।